class of 7th. In our previous video, we started the chapter number 10, that is respiration in organisms. उस chapter में हमने respiration के बारे में पढ़ा था, then types of respiration and importance of respiration. In today's video, we will be studying about the breathing. What is breathing? Breathing मतलब कि सांस लेना. See, the process of taking in of oxygen and giving out of carbon dioxide is called breathing. तो जो ऑक्सीजन हम लेते हैं एंड जो कार्बन डाइऑक्साइड हम बाहर निकालते हैं, उसी प्रोसेस प्रक्रिया को हम ब्रीथिंग या सांस लेना कहते हैं. सी, वी कैन लिव विदाउट फूड फॉर सम डेज, फॉर वाटर मे बी वन और टू डेज, बट विदाउट ब्रीथिंग वी कैन नॉट लिव. तो ब्रीथिंग क्या है? एक कंटिन्यूस प्रोसेस है जो हमारे पूरे लाइफ टाइम चलता रहता है. इट नेवर स्टॉप्स, इट स्टॉप्स व्हेन वी डाई. ओके, सो द प्रोसेस ऑफ टेकिंग इन ऑफ ऑक्सीजन, जब हम ऑक्सीजन को लेते हैं उसे हम क्या कहते हैं? इनहेलेशन. इन मतलब अंदर, अंदर की ओर हवा लेना. एंड द प्रोसेस ऑफ गिविंग आउट कार्बन डाइऑक्साइड इज कॉल्ड एक्सहेलेशन. एक्स मतलब बाहर निकालना. ठीक, देन अ ब्रीथ मीन्स वन इनहेलेशन प्लस वन एक्सहेलेशन. एक ब्रेथ, एक सांस मतलब क्या होता है? एक बार ऑक्सीजन लेना और एक बार कार्बन डाइऑक्साइड निकालना. वन इनहेलेशन प्लस वन एक्सहेलेशन, दैट मींस ब्रेथ. ठीक है, सो दिस इज ब्रीथिंग. व्हाट इज ब्रीथिंग? द टेकिंग इन ऑफ ऑक्सीजन एंड गिविंग आउट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड. ओके, देन अलग अलग एनिमल्स, अलग अलग उनके ब्रीथिंग ऑर्गन्स होते हैं. जैसे वी ब्रीथ थ्रू लंग्स, है ना? हमारा जो मेन ब्रीथिंग ऑर्गन है दैट इज लंग्स. हम नोज से हवा लेते हैं जो हमारे लंग्स तक पहुंचता है, जिसे कि हम फेफड़े कहते हैं. ओके, देन ब्रीथिंग रेट. अब ब्रीथिंग रेट क्या होता है? द नंबर ऑफ टाइम्स अ पर्सन ब्रीथ्स इन वन मिनट इज कॉल्ड ब्रीथिंग रेट. एक मिनट में कोई व्यक्ति कितनी बार सांस लेता है उसे हम ब्रीथिंग रेट कहते हैं. राइट, सो द नॉर्मल ब्रीथिंग रेट इज 15 टू 18 टाइम्स इन अ मिनट. तो अगर हम नॉर्मल ब्रीथिंग रेट देखेंगे तो दैट इज 15 टू 18 टाइम्स अ मिनट. ठीक, तो 15 से 18 बार हम एक मिनट में सांस लेते हैं. लेकिन जो बच्चे होते हैं दे ब्रीथ 20 टू 30 टाइम्स. लेकिन जो एडल्ट्स होते हैं, कभी कभी इन केस जो हमारा ब्रीथिंग रेट है वो बढ़ जाता है. कब बढ़ जाता है? व्हेन वी एक्सरसाइज, व्हेन वी रन. ठीक है, जब हम कोई हार्ड वर्क करते हैं तो हमारा ब्रीथिंग बढ़ जाता है, दैट इज अप टू 25 टाइम्स पर अ मिनट. और अलग अलग ऑर्गेनिज्म की अलग अलग ब्रीथिंग रेट होती है. ओके चिल्ड्रेन, नाउ वी विल सी हाउ ब्रीथिंग अकर्स. ब्रीथिंग होता कैसे है? द मैकेनिज्म ऑफ ब्रीथिंग. ठीक है, सो द प्रोसेस ऑफ ब्रीथिंग टेक्स प्लेस इन आवर लंग्स. हमें पता है कि जो ब्रीथिंग का प्रोसेस है वो हमारे लंग्स यानी कि फेफड़ों में होता है. एंड वी ब्रीथ इन विद द हेल्प ऑफ आवर नोज. सपोज अगर मैं अपने नोज को, नॉस्ट्रल्स को कुछ टाइम के लिए क्लोज कर लूँ, सपोज लाइक दिस, देन आई विल फील अनइजी एंड अनकम्फर्टेबल, है ना? एंड व्हेन आई विल रिमूव माई हैंड्स फ्रॉम नोज, तो उसके बाद मैं ज़्यादा सांस लूँगी ना, क्योंकि उस टाइम जो मैंने ब्रीथ नहीं लिया था उसको बराबर करने के लिए. ओके, सो ब्रीदिंग इन्वॉल्व्स द मूवमेंट ऑफ रिब केज एंड द डायफ्राम. जब ब्रीदिंग होता है तो उसमें किसका मूवमेंट होता है? रिब केज यानी कि जो पसलियाँ होती हैं हमारी, उसका मूवमेंट होता है एंड डायफ्राम का. सो दिस वी विल स्टडी विद द हेल्प ऑफ अ डायग्राम. विजुअल रिप्रेजेंटेशन से आपको ज़्यादा वो क्लियर हो जाएगा कि हाउ मैकेनिज्म ऑफ ब्रीथिंग टेक्स प्लेस. सो लेट्स गेट स्टार्टेड. ब्रीथिंग मैकेनिज्म, वी टेक ऑक्सीजन थ्रू नोज. ठीक है, तो जब ब्रीथिंग का प्रोसेस होता है तो दो प्रोसेस होता है. पहला होता है ब्रीथ इन, जिसे हम इनहेलेशन और इंस्पायरेशन कहते हैं, एंड सेकेंड होता है ब्रीथ आउट, जिसे हम एक्सहेलेशन और एक्सपायरेशन कहते हैं. ओके, सो जो ब्रीथिंग का प्रोसेस होता है उसमें दो चीज़ें इन्वॉल्व होती है, हमारी रिबकेज और डायफ्राम. तो जब ये हम ब्रीथिंग करते हैं तो हमारा डायफ्राम बाहर निकल जाता है, जिससे कि स्पेस क्रिएट हो जाता है लंग्स में. और वी ब्रीथ थ्रू नॉस्ट्रल्स, देर आर टू नॉस्ट्रल्स इन आर नोज. ठीक, एज यू कैन सी इन द फिगर क्लियरली. देन
The air with some dust particles enter through our nose and the hair stops the big dust particles. जो ये hairs होते हैं वो particles को stop करते हैं. That's why we get sneezing. Okay? Then what happens? जो ये particles होते हैं इनमें कई सारे microbes, mucus और other चीज़ें होती हैं जो कि dust particles को catch करती हैं. ठीक? और जो warm air हम लेते हैं That contains impure air also. उसमें carbon dioxide भी रहता है. Okay? Now, जो ये mucus होता है that is present in our nose, वो क्या करता है? हमारे air को filter करता है और फिर air bronchioles में जाता है, फिर bronchus से bronchioles में जाता है. Then to alveoli. ठीक? वहाँ से filter होता है ये. Then It reach to our blood vessels. फिर ये जो oxygenated blood होता है वो हमारे blood vessels तक पहुँचता है और फिर वहाँ पे gases का exchange होता है. मतलब हमारा blood oxygen लेता है और carbon dioxide देता है. ठीक? So breathing in, breathing out process में main हमारे यही होता है. Then hemoglobin forms oxyhemoglobin. जो हमारे RBC में hemoglobin रहता है वो oxygen के साथ combine होके ऑक्सीहेमोग्लोबिन बनाता है और जो हमारा हार्ट है वो इस सारे ब्लड को पूरे बॉडी में पंप करता है. ठीक? देन सेल जनरेट्स एनर्जी, देन CO2 इज प्रोड्यूस्ड एंड इन द फॉर्म ऑफ वेस्ट प्रोडक्ट कार्बन डाइऑक्साइड इज प्रोड्यूस्ड. ओके? एंड दिस इज इम्प्योर एयर. जब रेस्पिरेशन का जो प्रोसेस होता है तो उसमें ये क्या होता है? इट्स लाइक अ वेस्ट प्रोडक्ट. ठीक? और जो ये होता है इट कंटेन्स ऑफ मैनी गैसेस ऑल्सो. ठीक? नाउ अगर हम ब्रीथ आउट देखें तो ब्रीथ आउट में क्या होता है? एक्सेलेशन और एक्सपायरेशन. इन द प्रोसेस ऑफ ब्रीथ आउट वी गिव आउट कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर वेपर. इसमें क्या होता है? जो हमारा डायफ्राम होता है वो अपवर्ड ऊपर की तरफ जब हम बाहर सांस निकालते हैं और स्टर्नम अंदर की ओर हो जाता है एंड गैसेस कम आउट थ्रू नॉस्ट्रिल्स. गैसेस अंदर भी होते हैं नॉस्ट्रल्स से एंड दे कम आउट थ्रू नॉस्ट्रल्स ऑल्सो एंड ऑल दीज फंक्शंस आर कंट्रोल्ड बाई ब्रेन. ओके? देन CO2 के साथ बहुत सारी अदर गैसेस भी होती हैं. ठीक? बिकॉज वी नो एयर इज अ मिक्सचर ऑफ मैनी गैसेस लाइक सो. चिल्ड्रेन वी हैव सीन द मैकेनिज्म ऑफ ब्रीथिंग थ्रू अ वीडियो. ओके? सो व्हेन वी ब्रीथ We inhale and exhale air. So inhaled air contains oxygen 21%, carbon dioxide 0.04% and water vapor a little. While the exhaled air contains oxygen 16.4%, carbon dioxide 4.4% and water vapor a lot. So जो exhaled air होता है उसमें oxygen कम, carbon dioxide और water vapor ज़्यादा होता है. और जो inhaled air होता है उसमें ऑक्सीजन ज़्यादा और कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर वेपर कम होता है. ओके? नाउ वी विल स्टडी अबाउट द रेस्पिरेशन इन ह्यूमंस. व्हाट इज रेस्पिरेशन? द प्रोसेस ऑफ ब्रेकिंग डाउन ऑफ फूड टू रिलीज एनर्जी इज कॉल्ड एज रेस्पिरेशन. सो वी विल बी स्टडीइंग अबाउट द रेस्पिरेशन इन ह्यूमन बींग्स. कौन कौन से ऑर्गन्स उसमें इन्वॉल्व है? सो द मेन ऑर्गन्स ऑफ ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम आर नोज, नेसल पैसेज, ट्रकिया, bronchi, lungs and diaphragm. So these are the six major organs that are involved in the process of respiration and that also we will see with the help of a video. Aapko jyada wo visualize karke clear ho jayega. So children, now we will study about the respiratory system of human body. To ab hum respiratory system ke bare mein padhenge ki इस रेस्पिरेटरी सिस्टम में कौन कौन से रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स इन्वॉल्व हैं. ठीक है? तो हमने पढ़ा था कि बहुत सारे रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स इन्वॉल्व हैं. जैसे सबसे पहला नोज, नेजल पैसेज, ट्रकिया, ब्रोंकाई, लंग्स एंड डायफ्राम. ठीक? तो अब हम उनके बारे में डिटेल में पढ़ेंगे. सबसे पहले क्या होता है? व्हाट हैपेंस थ्रू नोज वी टेक इन ऑक्सीजन और माउथ. ठीक? सम टाइप एंड इन नोज देर आर टू नॉस्ट्रल्स, है ना, होल्स होते हैं, दे आर टू नॉस्ट्रल्स. देन गैस एंटर्स थ्रू नॉस्ट्रल्स एंड दिस पैसेज इज कॉल्ड एज नेसल पैसेज.
जो नोज़ के अंदर जो रास्ता टाइप का होता है उसे हम नेसल पैसेज कहते हैं। देन इस नेसल पैसेज में क्या होते हैं, नेजल हेयर्स होते हैं। दैट वॉट डज दिस हैपन्स, वो क्या करता है, डस्ट पार्टिकल्स को स्टॉप करता है। देन द गैस पासिस थ्रू फैरिंग्स देन टू ट्रकिया। अब ये ट्रकिया क्या है, एक ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर है जो कि लंग से कनेक्टेड होता है। सी एंड दिस लंग्स वॉट हैपन्स, दे आर लोकेटेड इन आवर चेस्ट कैविटी, वो हमारे चेस्ट कैविटी में लोकेटेड होता है, सीने के पास होता है। एंड दे आर प्रोटेक्टेड बाय रिब केज, वो किससे प्रोटेक्टेड होते हैं, रिब केज जो कि एक हड्डियों का ढांचा होता है वो हमारे ऑर्गन्स को क्या करता है, प्रोटेक्ट करता है। एंड सी आप देख सकते हैं क्लियरली जो ये ब्रोंकस हैं वो फर्दर ब्रोंकियोल्स में, और ये ब्रोंकियोल्स जो है वो एल्विलॉय में, एल्विलॉय मतलब बहुत ही माइन्यूट, ये एकदम लंग्स के अंदर होते हैं। एंड दे आर एयर सैक्स, जिन्हें हम एयर सैक्स कहते हैं, इनमें एयर फिल्ड हो जाता है। दे अब्सॉर्ब मोस्ट ऑफ द ऑक्सीजन कमिंग फ्रॉम द प्रोसेस ऑफ ब्रीथिंग। देन व्हाट हैपेंस, दिस एल्विलॉय और एयर सैक्स ट्रांसफर दिस ऑक्सीजन टू आवर ब्लड सेल्स, एंड देर आर मिलियंस ऑफ एल्विलॉय इन आवर बॉडी। आप देखेंगे हमारे बॉडी में मिलियंस ऑफ एल्विलॉय हैं जो कि इस एयर को क्या करते हैं, हमारे पूरे बॉडी में ट्रांसफ़र करते हैं, बिकॉज ब्लड इज प्रेजेंट ऑल ओवर आवर बॉडी। तो आप देखिए ये जो ऑक्सीजन है ये हमारे ब्लड सेल के साथ क्या हो रहा है, इट इज़ कंबाइनिंग एंड इट इज़ गिविंग एनर्जी टू आवर बॉडी, बिकॉज व्हेन इट कंबाइंस विथ हेमोग्लोबिन इट फॉर्म्स ऑक्सी हेमोग्लोबिन। ठीक है, देन व्हाट हैपेंस, देन इसी एल्विलॉय से फिर जो हमारा वेस्ट प्रोडक्ट है कार्बन डाइऑक्साइड, इट कम्स थ्रू इन द सेम वे। ठीक, देन व्हाट हैपेंस ड्यूरिंग दिस प्रोसेस, द वेस्ट प्रोडक्ट दैट इज कार्बन डाइऑक्साइड इट इज़ रिमूव्ड फ्रॉम आवर बॉडी। एज यू कैन सी, अगर टू डायमेंशनल स्ट्रक्चर देखेंगे रेस्पिरेटरी सिस्टम का, तो सबसे पहला है नॉस्ट्रिल, देन नेजल पैसेज, देन विंड पाइप ट्रकिया, देन ब्रोंकाई, then bronchioles and finally alveoli and the lungs. Okay? Now some of the actions are done by us that are sneezing, yawning and smoking. Sneezing means chhinkna. See what happens in sneezing? It is an expulsion of air through our nose when there is irritation in nasal passage. Toh jo air hamare nose ke through nikalta hai, जब हमारे नेजल पैसेज में कोई इरिटेशन होता है, देन स्नीजिंग अकर्स। वी ऑफन स्नीज व्हेन वी इनहेल एयर कंटेनिंग डस्ट और स्मोक। हमें पता है वी ब्रीथ थ्रू आर नोज, सो द एयर दैट वी आर ब्रीथिंग कंटेन्स मेनी इम्प्योरिटीज सच एज डस्ट पार्टिकल्स, पॉलन ग्रेन्स, स्मोक एट्सेट्रा, एंड व्हेन दे एंटर थ्रू आवर नोज द हेयर्स प्रेजेंट इन आवर नोज ट्रैप देम, ठीक, इन द फॉर्म ऑफ म्यूकस। Then what happens, by chance if the air passes through the nasal passage then it causes irritation and we sneeze, taki wo jo ganda air hai, jo impure air hai, that should not get into our lungs. Okay, so that is about sneezing. Now second is yawning. Yawning in Hindi that is called jamai or ubasi. Okay, how this yawning occurs? Yawning is caused by the insufficient oxygen in the body. So yawning क्यों होता है? When there is insufficient amount of oxygen in our body, then in yawning what we do? We open our mouth like this na, with and we don't have any control over it. ठीक? Then what happens? Then we open our mouth to take oxygen. यॉनिंग में इनसफिशियंट हो जाता है ऑक्सीजन का अमाउंट। इसमें क्या होता है, व्हेन वी फील बोर, ड्राउजी और स्लीपी वी यॉन, क्योंकि उस टाइम हमारे जो बॉडी में ऑक्सीजन की जो सप्लाई है वो कम हो जाती है। सो दैट्स व्हाई वी यॉन टू गेट इनफ सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन इन आवर बॉडी। ओके, देन थर्ड वन इज स्मोकिंग। एज वी ऑल नो स्मोकिंग मीन्स धूम्रपान, दैट इज़ वेरी इंजूरियस टू हेल्थ, है ना, and it is the enemy of our lungs, है ना। So smoking is very injurious,
either smoking bidi, cigarette, cigar, it is not good for health. So there are some bad effects of smoking. First one is it affects our lung tissue. ये हमारे lung tissue को affect करता है. Second, it causes lung cancer. And third one is that it causes many heart disease also. Okay? So that's all for today. Now your homework is, why do all organisms respire? Define breathing rate. Question number third, state the harmful effects of smoking. Then question number four, why do we sneeze when we inhale dust-laden air? And last one, name the organs involved in the process of respiration or human respiratory system. Okay, so I hope you have all understood the topic well. Thank you and have a great day.